तो सबसे पहले इसके आगे का पार्ट लिखना, मोड करके लिखो। सपोज यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यूटी डिस्कस करने बोला है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करने बोला है। तो कभी कभी सपोज आपको दो फंक्शन एक साथ दिया रहता है तो आप क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या करोगे उससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। सपोज आपको दिया है कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस जो दूसरा फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो ओवरऑल फंक्शन आएगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, सेकेंड जो है सपोज एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस, तो अगर ये दोनों का वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल फंक्शन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे एक फर्स्ट वाले के लिए करते हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 आ रहा है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा उसका राइट हैंड लिमिट भी 2 आएगा, इसका जो फंक्शनल वैल्यू रहेगा ये भी 2 रहेगा। एक और एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सपोज इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रहा है, इसका राइट हैंड लिमिट भी 5 आएगा, इसका फंक्शनल वैल्यू भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐड करता हूँ तो 2 प्लस 5 कितना आएगा, अपकोर्स 7 आएगा। दूसरा RHL को अगर ऐड करूंगा तो भी 7 आएगा, फंक्शनल वैल्यू को ऐड किया तो भी 7 आएगा। अब नोटिस कर सकते हो यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है ये क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। क्लियर, सेम गोज फॉर नीचे वाला, अगर सपोज इन दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होएगा 10, राइट हैंड लिमिट कितना होएगा 10 और फंक्शन वैल्यू भी कितना होएगा। तो आप नोटिस कर सकते तीनों वैल्यूज ऊपर और नीचे क्या है, सेम। ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड। अब जो थर्ड है दैट इज कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, ठीक है, तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस के लिए क्या होएगा, तो ये हम लोग जरा नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन पे कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, बस आपका नीचे का फंक्शन क्या नहीं रहना चाहिए, जीरो नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, अगर जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहा तो आप क्या बोल सकते हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड और ये जो वाला पार्ट है दैट इज कंटिन्यूअस प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे कि सपोज ये कंटिन्यूअस फंक्शन का वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सपोज यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 3 राइट हैंड 2 और ये कितना आ रहा है, चलो ये भी 2 लेते हैं, सेम है। अब ध्यान देना, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है ये 5 रहेगा, इसका जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है ऐड करने के वक्त कितना होएगा, 4, लास्ट में भी ऐड कर रहा कितना हो रहा है, 4। नोटिस कर रहे हो तो वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट RHL और फंक्शन वैल्यू से क्या है, डिफरेंट। इससे आप क्या बोलोगे, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज डिसकंटिन्यूअस प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूअस, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा नथिंग कैन बी सेड, इधर लिखा नथिंग कैन बी सेड। ओके, अब नथिंग कैन बी सेड का क्या मतलब है, सपोज आप यहां पे एक एग्जांपल में ले रहे हो टू, सॉरी डिसकंटिन्यूअस है, तो यहां पे 3 एंड यहां पे क्या कर रहे हो, 3 कंसिडर कर रहे हो। सपोज जो दूसरा का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है यहाँ पे क्या क्या रहा है, 3, 2 एंड ये 2 आ रहा है,
अब आपको क्या करने बोला है, इन दोनों को ऐड करने बोला है, तो ऐड करोगे तो 2 प्लस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 राइट हैंड लिमिट 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 फंक्शन वैल्यू भी कितना आ रहा है 5। सपोज इसके बदले आपने क्या किया, यहाँ पे 7 लिया, 3 लिया, 4, यहाँ पे 2, 4 और 5 लिया। अब दोनों को ऐड करो 9 आएगा, दोनों को राइट हैंड लिमिट ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके सारे वैल्यूज क्या है, इक्वल आए। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो फंक्शन वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए यहाँ पे आप बोल नहीं सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इसके बारे में आपको आगे डिस्कशन होएगा, लेकिन अभी के लिए इसको आप क्या कर सकते हो, जस्ट इधर के लिए आप ध्यान देना। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वाला पार्ट। सिक्स वाला पार्ट इज कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, नथिंग कैन बी, बस एक, ओके फाइन, ये जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तब बताता हूँ। तो ये है कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस पे आप बोलोगे नथिंग कैन बी सेड। सेम गोस सेवेंथ वाला पार्ट, दैट इज डिसकंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस। यहां पे भी आप क्या लिखोगे, नथिंग कैन बी। आपको ये तीन केसेस आपको आपके दिमाग में ध्यान में रखना है। सॉरी, कंपोजिट फंक्शन के लिए दैट इज पॉइंट नंबर 8, अगर कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस रहेगा और वो क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो ये क्या रहेगा, दिस विल बी कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल आपको देता हूं, ई रेस टू, अंदर का पार्ट भी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, ई रेस टू एक्स भी सारे पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस। ये मैंने आपको ध्यान में रखने को बोला था, ये सब पॉइंट। फिर आगे एक नोट करके लिखना, सबसे फर्स्ट लिखना, लेट जी ऑफ एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, बट एलएचएल, आरएचएल एंड f of a exist, ये पार्ट पे ध्यान देना, ये वाला जो बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ये क्या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या है कि इसमें इन्होंने क्या बोला है, LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता, अगर सपोज इसमें से कोई भी एक वैल्यू अनडिफाइंड हो गया तो ये काम नहीं करेगा। पहले ही बोल रहा हूं, क्या बोला, अगर ये तीनों में से कोई भी एक अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड मतलब क्या है कि वहां पे वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये रूल काम नहीं करेगा। वापस रिपीट कर रहा, फंक्शन वापस मैं बोलता हूँ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सबसे पहले एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ ए मतलब फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये तीन चीजों पर ध्यान देना। अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है, तो ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। चल इधर तक तो हो गया। अब यहां पे सबसे पहले चीज, ऑल्सो एफ ऑफ एक्स मतलब जो दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन हो गया जो डिसकंटिन्यूअस वाला है, ये दूसरा फंक्शन हो गया जो क्या है, अब ध्यान देना, इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए इस पे कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, इसका एल एच एल, इसका आर एच एल एंड इसका जो फंक्शनल वैल्यू है, ये तीनों क्या है, बरोबर। ओके, अब ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहेगा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ
एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो, कौन सा वाला पार्ट, ये वाले पार्ट। और डिसकंटिन्यूअस कब रहेगा, इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब समझा दो, टेंशन मत लो, इजी है ये। देखो एक कंटिन्यूअस पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है ये क्या डिसकंटिन्यूअस है। एक कंटिन्यूअस पार्ट है एंड दूसरा जो पार्ट है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब जरा समझने का ट्राई करो। अफकोर्स अगर ये वैल्यू मैंने टू टू एंड सपोज ये मैंने टू लिया एंड ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस, तो थ्री आएगा यहाँ पे टू आएगा, चलो यहाँ पे भी टू लेता हूं, तो क्या होएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट मल्टीप्लाई होएगा तो सिक्स होएगा, टू इंटू टू कितना होएगा फोर, टू इंटू टू कितना होएगा फोर, तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जीरो नहीं है। सपोज आपका यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये वाला एंड का वैल्यू जीरो आ रहा है, कंटिन्यूस रहेगा, इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट भी जीरो आएगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आएगा। अब आप मल्टीप्लाई करो तो जीरो इंटू थ्री जीरो आएगा, जीरो इंटू टू जीरो आएगा, जीरो इंटू टू जीरो आ रहा है। अब आप क्या बोलोगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्यों, क्या आपका एफ ऑफ ए क्या आ गया, ये चीज का जस्ट ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इजी है समझने को भी, अगर आपको एग्जाम में क्लिक भी नहीं हो रहा तो भी चल जाएगा, मैंने आपको समझा दिया, जस्ट एक शॉर्टकट मेथड है आपको पहचानने में हेल्प करे। सबसे पहले चीज यहां पे ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मैंने ये आपको याद करने के लिए बोला था। सबसे पहले चीज आता है x, x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तब ऑल पॉइंट्स, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट आना चाहिए, तो कंटिन्यूअस फंक्शन आपको याद करने बोला। नेक्स्ट आता है सिग्मा x, और जो सिग्मा x है ये क्या डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू इंटीजर वैल्यू, बाकी सारे पार्ट पे क्या है वो कंटिन्यूअस है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है। चलो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे दिखता है करके, इसका ग्राफ आएगा यहां से लेके इधर तक हरे वैल्यूज कंटिन्यूअस है, फिर इधर से लेके इधर तक, तो ग्राफ ऐसे जाते रहेगा। ओके फाइन, तो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, आपको कहां पे चेक करना है, आपको चेक करना है इंटीजर वैल्यू पे क्या रहेगा करके, ये आपको चेक करना। ओके फाइन, सबसे पहले चीज यहां पे एक्स पे हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू आई। अब ऐसे सोचो कि इंटीजर वैल्यू क्या है, टू है करके, बस आप सोचो क्या है कि इंटीजर वैल्यू टू है करके, ऐसे सोच लो, आपको कोई नंबर पसंद है आप उठाओ, आपको कोई करोड़ ऐसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख कोई नंबर पसंद है और उठा लो, कोई इशू नहीं। चलो अब यहां पे सबसे पहले एक्स इक्वल टू टू पे इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा तो ये तो आपको टू ही रहने वाला है, क्योंकि आपको बस सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं, इसका राइट हैंड लिमिट भी क्या रहेगा टू ही रहने वाला है, इसका फंक्शनल लिमिट भी क्या रहेगा टू रहेगा, इसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, तो सिंपल। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ये वाले पार्ट के, ओके एक्स इक्वल टू टू मतलब क्या, दैट इज दिस पॉइंट, ये तो टू है। अब जरा चेक करो, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट से जाओगे आपका वैल्यू कहां पे अप्रोच कर रहा है, आपका वैल्यू अप्रोच कर रहा है इधर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू, क्लियर है। अब सपोज आपने यहां पे सबसे पहले चीज, मेरा गलती हुआ सॉरी, टू नहीं, यहां पे क्या आएगा इट विल बी, यहां पे हम नोटिस कर सकते हो ये जो वैल्यू है ये 1 रहेगा, तो यहां पे किधर अप्रोच करें 1 को अप्रोच करें, मेरा गलती हुआ। अब सपोज
आप यहां से जा रहे हो राइट हैंड लिमिट चेक करने को जा रहे हो, तो राइट हैंड लिमिट आप नोटिस कर सकते हो जब आप एक्स इक्वल टू टू पे जा रहे हो, आपका ग्राफ किधर जा रहा है, आपका ग्राफ जा रहा है जीरो की ओर। नेक्स्ट वाला पार्ट, अब नेक्स्ट वाला पार्ट ऑब्जर्व करो, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू टू कंसिडर किया तो इसका कोई इंटीजर पार्ट है क्या? नहीं है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू तो जीरो है। सपोज यहाँ पे लेट से 2.9 रहता तो इसका वैल्यू में आप क्या कंसिडर करते, 0.2। सपोज इधर 2.00001 है तो इसका आप क्या वैल्यू कंसिडर करोगे, 0.0000। लेकिन यहाँ पे तो कोई ये फ्रैक्शनल पार्ट इधर है ही नहीं कोई भी पार्ट, तो इसीलिए क्या आ गया, जीरो आ गया। ओके, अब आप चेक करो यहाँ पे अगर आपने 2 × 1 किया तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर आपने 2 × 0 किया तो आपका राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर आपने 2 × 0 किया तो आपका फंक्शन वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तीनों क्या है, डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब ये पूरे को हम लोग फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं या ऊपर भी दिया है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, एक और चीज पे जरा ध्यान दो, जरा ध्यान देना, अब क्या सारे इंटीजर फंक्शन पे ये जीरो है क्या, वो हम लोग अभी चेक करेंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल केसेस लेते हैं जिसपे मैंने आपको ध्यान देने बोला था, जीरो को आप चेक करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, जो इंटीजर वैल्यू जिसको हमने टू कंसिडर किया था, इसको अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। अब ध्यान दो, ऑफकोर्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो होएगा, राइट हैंड लिमिट जीरो, फंक्शनल वैल्यू भी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम लोग क्या चेक करते, ये जो पार्ट है दैट इज जिफ के लिए, जिफ ने बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इधर देखते हैं, अब यहाँ पे जीरो कहाँ पे है, ये वाले पॉइंट, ऑफकोर्स इसके पहले का पार्ट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा 1 पे। आप इसको राइट हैंड से जाओ, इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 0 पे। इसका जो फंक्शन वैल्यू रहेगा वो भी 0 ही रहेगा। तो आप वापस नोटिस कर रहे हो ये जो है, अब चेक करो 0 × 1 क्या आएगा, 0। 0 × 0 0 आ रहा है, 0 × 0 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इंटीजर वैल्यू माइनस क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। आई होप ये माइनस 0 क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला टेबल में आपको पता रहना चाहिए, साइन एक्स जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट। सिग्नम फंक्शन जो है ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, अगर आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पता हो तो ये ग्राफ इधर जाता है, ये ग्राफ इधर जाता है, तो फिर डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, ये डिस्कंटिन्यूअस। तो आप चेक कहाँ पे करोगे, आप चेक करोगे x इक्वल टू जीरो पे, बाकी कोई भी पॉइंट पे आपको चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, सारे पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस। ओके, अब कैसे करोगे, सबसे पहले एट x इक्वल टू जीरो, सबसे पहले चीज साइन x। अब जब साइन x का वैल्यू जीरो डालोगे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या होगा, जीरो। अगर आपको डाउट है तो आप ग्राफ बनाओ, ये इसका ग्राफ कैसे रहेगा। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट से इसको अप्रोच करो,
इसका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। आप इसको राइट साइड से अप्रोच करो, इसका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, जीरो। फंक्शनल वैल्यू साइन ऑफ जीरो इज व्हाट, जीरो। यहाँ पे इसका तीनों वैल्यूज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन का ध्यान दो, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, माइनस वन पे। यह आएगा एस डी एम एक्स, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन। ओके, जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे, तो राइट साइड से अगर आप अप्रोच करोगे तो इसका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, इसका वैल्यू जा रहा है किधर, प्लस वन की ओर। और यहाँ पे तो ये ओपन सर्कल है, यहाँ पे ओपन सर्कल है। सिग्नम एट जीरो, सिग्नम एट जीरो क्या है, यहाँ पे देखो, ये पता रहना चाहिए। ओके, अब हम चेक करेंगे जीरो इंटू माइनस वन, जीरो आ रहा है। जीरो इंटू प्लस वन, जीरो आ रहा है। जीरो इंटू जीरो, ये भी जीरो आ रहा है। तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आया, सेम आया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम आ गया। इससे आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे भी चेक किया कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे, एट ऑल पॉइंट, या फिर आप इधर ऐसा लिख सकते हो, एट एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। सबसे पहले चीज क्या आपको पता रहना चाहिए कि cos x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस है। ओके, ये कहां पे कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है, ये पता रहना चाहिए। इसका ग्राफ कैसे रहता है, एट x इक्वल टू, ट्राई करना। सबसे पहले इसका जो ग्राफ है ये कैसे दिखता है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है तो ऐसे जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एंड इसका यहाँ पे भी ये जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, अब जस्ट चेक करना यहाँ पे, सबसे पहले चीज हमें क्या चेक करना, हमें पता है डिसकंटिन्यूअस क्या पे है, ये वाले पॉइंट्स। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू आई के लिए चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चीज एक्स का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ही उठा देंगे। चलो एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे उठाएंगे, तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले इसको कंसिडर करते, जैसे पहले किया था वैसे हम लोग इसको टू कंसिडर करेंगे। तो इसका जो राइट हैंड लिमिट रहेगा ये क्या रहेगा, टू रहेगा, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट टू रहेगा। मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, चलो ये वाला पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू टू पे। एक सेकेंड तो ये वाले पॉइंट, तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, मतलब इस तरफ से, तो ये वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, ये वैल्यू जा रहा है वन पे। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, वन हो गया। अगर आप इसको राइट साइड से अप्रोच करोगे तो इसका वैल्यू कितना जा रहा है, इसका वैल्यू टू पे जा रहा है। अब इसका फंक्शनल वैल्यू, तो यहां पे सपोज ये टू दिया है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू कितना रहेगा, इसका जिफ्ट वैल्यू कितना रहने वाला है, टू रहेगा। सपोज यहां पे इट इज 2.1, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, टू ही रहेगा। यहाँ पे सपोज 2.999 है, तो भी इसका जिफ वैल्यू कितना रहने वाला है, टू रहेगा। 1.999 रहेगा, सॉरी कितना नाइन रहेगा, तो भी इसका जिफ का वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे इसका फंक्शनल वैल्यू कितना आएगा, टू आएगा। Suppose it is what cos of x, cos of x के लिए
एट एक्स इक्वल टू टू तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ टू आएगा। ये कितना आएगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट से भी चलो कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ये जीरो है, पाई पे आपको वैल्यू पता है, ओ सॉरी ये तो कॉस का नहीं है, साइन का ग्राफ है, कॉस का मुझे ऐसे आएगा। ओके अब यहाँ पे आपको पता है कॉस जीरो कब है, 1.54 पे, मतलब पाई को डिवाइड बाय टू करो तो टू कुछ तो इधर आएगा, ऑलमोस्ट कुछ तो ये वैल्यू पे आएगा। आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो भी ये वैल्यू आएगा, आप इसको राइट साइड से अप्रोच करो तो भी ये वैल्यू सेम आएगा, इसका फंक्शनल वैल्यू भी यही पॉइंट रहेगा, तो ये कॉस ऑफ टू आएगा, ये भी कॉस ऑफ टू आने वाला है, ये भी कॉस ऑफ टू आएगा। तो अफकोर्स आप नोटिस कर रहे हो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि आप वन इंटू कॉस टू करोगे तो कॉस ऑफ टू आएगा, टू इंटू कॉस टू करोगे तो टू कॉस टू आएगा, टू इंटू कॉस टू करोगे तो भी टू कॉस टू आ रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। चलो अब हमें मेन पॉइंट चेक करना है, मेन पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। ओके तो x इक्वल टू जीरो पे सबसे पहले क्या होएगा, अगर आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो भी इसका वैल्यू क्या रहेगा, लेफ्ट साइड से अगर इसको अप्रोच करोगे तो इसका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, इसका वैल्यू जा रहा है माइनस वन की ओर। अगर इसको राइट साइड से अप्रोच करो तो इसका वैल्यू क्या जा रहा है, जीरो पे। अगर आप जिफ ऑफ जीरो लोगे तो भी इसका वैल्यू क्या जा रहा है, जीरो पे। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो वन आएगा, क्योंकि आपको पता है कॉस जीरो कब रहता है, जब इसका वैल्यू क्या रहेगा, पाई बाई टू, तब ऑफकोर्स पाई बाई टू का वैल्यू आपको पता है ये एक इरेशनल नंबर है पाई, तो ऑफकोर्स इंटीजर वैल्यू तो नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉस का वैल्यू आप क्या करो, जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो भी वन आएगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, वन आएगा, माइनस वन इंटू वन तो ये माइनस वन आ रहा है, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कब, एट ऑल पॉइंट्स, एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट, तो यहां पे एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू इवन जीरो है, जीरो पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आपने नोटिस भी किया कि यहाँ पे कॉस का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या रहता है, वन रहता है। साइन एक्स में क्या देख रहे थे, एट एक्स इक्वल टू जीरो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, इसीलिए वो कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिखना कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू फाइव। अब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको लिखा के भी दिया हो, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ई रेस टू एक्स ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। ये आपको अगर एग्जाम्पल करना है तो एट x इक्वल टू वन कंसिडर करो, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो भी इसका वैल्यू क्या रहेगा, सपोज चलो इसका वैल्यू क्या है, वन, तो ये भी क्या आएगा, वन आएगा, ये भी कितना आएगा, वन। कंटिन्यूअस फंक्शन है, चलो एक रैंडम वैल्यू उठाओ, चलो ये तीन आया, इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट भी तीन आएगा, इसका एल एच एल भी तीन आएगा, थ्री इंटू वन मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड लिमिट तीन आ रहा है, 1 इंटू थ्री करो, इसका राइट हैंड लिमिट भी तीन आ रहा है, 1 इंटू थ्री करो, और ये पॉइंट मैंने आपको लिखा के भी दिया हो कि कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस क्या आएगा, तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेना, दैट इज 1 अपॉन एक्स यहाँ पे इंटू, ये ट्राई करना जरा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है
ये क्या है, कंटिन्यूअस है ऑल थ्रू आउट। ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे 1 बाई एक्स है। 1 बाई एक्स इसका मतलब क्या रहेगा, अगर आपका एक्स का वैल्यू 0 रहेगा तो ये पूरा फंक्शन क्या होएगा, इंफिनिटी को जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/0 क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड है, तो आपको चेक करने का जरूरत है क्या? नहीं, आप ये पॉइंट पे चेक ही नहीं करोगे। तो आप बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब यहां पे आपने चेक क्यों नहीं किया, लेफ्ट हैंड लिमिट जरा अप्लाई करके देखो, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करके देखो, ये अप्लाई करके देखो, क्यों आपने किया नहीं? क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड है, इसका वैल्यू आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। सीधा आप बोलोगे वहां पे क्या है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्या आपको पता है 1/0 इंफिनिटी रहता है? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू सेपरेटली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लेना सबको।